बॉलीवुड की नामचीन एक्ट्रेस काजोल ने जिस तरह से 90s के दशक में अपनी सुपरहिट फिल्मों द्वारा दर्शकों को अपनी काबिलियत से रूबरू कराया है, ठीक उसी तरह से आज वो अपना सब कुछ पाकर ऐशो आराम के बिंदास जिंदगी जी रही है, क्योंकि इनका फिल्मी करियर काफी शानदार रहा है। लेकिन दोस्तों, आप एक्ट्रेस काजोल से जुड़ी अधिकतर बातों से तो अच्छे से वाकिफ हैं, पर क्या आप इनके बचपन से लेकर बड़े होने तक की कहानी जानते हैं कि ये किन हालातों में पली बड़ी है और कितनी बड़ी समस्याओं का सामना इन्होंने अपनी लाइफ में किया है। अगर नहीं जानते तो फिर चलिए एक्ट्रेस काजोल के बचपन से लेकर बड़े होने तक की कहानी जानते हैं। पर उससे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। काफी कम समय में बड़े पर्दे का चमचमाता सितारा बनी एक्ट्रेस काजोल का जन्म 5 अगस्त 1974 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और वहीं से इनकी सारी पढ़ाई भी कंप्लीट हुई थी। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इन्हें बचपन से ही एक्टिंग में काफी दिलचस्पी थी, जिसके चलते इन्होंने अपनी पढ़ाई 10वीं कक्षा पास करने के बाद छोड़ दी थी और हमेशा टीवी सीरियल्स और फिल्में देखने पर ज्यादा जोर देती थी। पर फिर स्कूल छोड़ने के बाद इन्होंने अपनी माँ तनुजा मुखर्जी से एक्टिंग की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। तब ये महज 14-15 साल की थी और इस छोटी सी उम्र में ही इन्होंने ऑडिशन देने शुरू कर दिए थे, जिसमें इनका नाम भी काफी जल्दी सिलेक्ट हो गया था, क्योंकि इनकी मां खुद एक फेमस एक्ट्रेस थी, जिसके चलते इन्होंने साल 1992 में आए फिल्म बेखुदी से अभिनय करना शुरू कर दिया था। खैर, उस टाइम पर ये ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन इस फिल्म में इनकी मेहनत काफी रंग लाई थी, क्योंकि इनके अंदर वो सारा टैलेंट भरा था जो एक एक्ट्रेस में होना चाहिए, जिसके बाद ये अभिनेता शाहरुख खान के साथ बाजीगर फिल्म में और पॉपुलर हो गए, जहां से इन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की कि इसके बाद इनके पीछे कई बड़ी बड़ी फिल्मों की लाइनें लग गई थी, जिसमें इनकी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, करण अर्जुन और कुछ कुछ होता है जैसे फिल्में शामिल है। और अपनी इन सभी फिल्मों में इनका अभिनय काफी जबरदस्त होने के चलते ये काफी पॉपुलर एक्ट्रेस बन गई थी, इसलिए 90s के यादगार दौर में सिर्फ इन्हीं का नाम गूंजता था। लोग इनकी एक्टिंग की खूब सराहना करते थे, जिन्हें इनके रंग रूप से कोई मतलब नहीं था, वो तो सिर्फ इनकी काबिलियत पर ध्यान देते थे। हालांकि 90s के दौर से लेकर ये 2014 तक बॉलीवुड में अच्छा सफर तय करती रही, मगर जैसे ही ये साल 2015 में आई फिल्म दिलवाले में नजर आए तो ये फिल्म तो बुरी तरह पिटी ही थी। साथ ही ये भी इस फिल्म से फ्लॉप एक्ट्रेस साबित हो गई थी, जिसके बाद इन्होंने खुद धीरे धीरे एक्टिंग से दूरियां बना ली थी। मगर तानाजी फिल्म के डायरेक्टर ने साल 2018 में फिर से इन्हें अपना लक आजमाने का मौका दिया था, जिसमें ये अपने पति अजय देवगन के साथ ही काम करती हुई नजर आई थी। और इस फिल्म के सेट से बाहर आते ही ये अपनी पर्सनल लाइफ में इतनी बिजी हो गई थी कि इन्हें फिर दोबारा किसी दूसरे फिल्म में काम करने का मौका ही नहीं मिला। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एक्ट्रेस काजोल की बचपन से लेकर बड़े होने तक की ये दमदार कहानी? आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।